दोस्तों, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहे हो और कोई अलग ही चीज मिल जाए जिसे आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, बट वो आपको मिल नहीं रही थी। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब वो काफी श्योर होते हैं कि इस जगह पर उन्हें कोई पर्टिकुलर अवशेष ही मिलेगा, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे वो लंबे समय से खोज तो रहे थे, लेकिन उन अवशेषों के मिलने की उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। आखिर अनएक्सपेक्टेड यही तो होता है कि जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसे में हम आज आपको ऐसे ही हाल ही में हुई 10 अनएक्सपेक्टेड आर्कियोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, ब्रिटिश कैनेडियन स्वॉर्ड। जाहिर सी बात है, किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए आपका आर्कियोलॉजिस्ट होना तो जरूरी है। ये खोज कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ कनाडा के ओटावा में। बात 2021 की है, जब एक घर के मालिक ने अपने घर के रेनोवेशन का काम शुरू किया और उस दौरान उसे जो मिला वो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। ये एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मिलिट्री आर्कियोलॉजिस्ट को कॉन्टेक्ट किया गया। कैनेडियन म्यूजियम के रिसर्चर्स ने बताया कि इस तलवार का इस्तेमाल ब्रिटिश और कैनेडियन दोनों ही लोग किया करते थे और इसे 1987 में बनाया गया था और ये बॉयर वॉर के एक सैनिक की थी। हालांकि ये तलवार घर में कैसे पहुंची, ये अभी भी मिस्ट्री है और अब ये तलवार घर के मालिक के लिए होम डेकर का काम कर रही है। नंबर 9, वाइकिंग्स। वाइकिंग्स के बारे में अक्सर नई नई खोजें होती रहती हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है अब हम वाइकिंग्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आपको भी यही लगता होगा कि वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से आने वाले सी फेयरिंग वॉरियर्स का एक समूह था, लेकिन अगस्त 2021 में हुई खोज आपको वाइकिंग्स के बारे में अपना ओपिनियन चेंज करने पर मजबूर कर देगी। कनाडा के रिसर्चर्स ने वाइकिंग्स के बारे में अब तक की सबसे बड़ी डीएनए स्टडी की। स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, एस्टोनिया और रशिया से 400 से भी ज्यादा सैंपल्स की स्टडी के बाद जो सामने आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। इस रिसर्च के अनुसार वाइकिंग्स का डीएनए सदर्न यूरोप में रहने वाले ब्रिटिशर्स और एशियन लोगों के साथ मैच करता है। इसका मतलब वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया के रहने वाले नहीं थे। इस खोज ने इतिहास की पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। नंबर 8, 12th सेंचुरी स्वॉर्ड। हमारी ये खोज हाल ही में तो नहीं हुई, लेकिन हाल ही में इसकी ओनरशिप के बारे में एक नई थ्योरी जरूर दी गई है। 1995 में एक वेल प्रिजर्व तलवार खोजी गई। ये स्वॉर्ड 12th सेंचुरी की थी, जिसे साइबेरिया के ब्रिस्क रीजन में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ पाया गया था। पूरे साइबेरियन प्रांत में ये अपनी तरह का इकलौता हथियार था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्वॉर्ड सार आईवन की थी। ये तलवार इसलिए भी खास है क्योंकि इसके ब्लेड्स रशियन नहीं थे, बल्कि इन्हें जर्मनी में बनाया गया था। हालांकि ये तलवार आईवन के समय से भी एक सदी पुरानी थी, लेकिन पश्चिमी यूरोप के साथ डेवलप हुए व्यापार के रिलेशनशिप की वजह से ये तलवार उसे मिली, जिसे बाद में उसने आईवन कोल्सो को उपहार के तौर पर दे दिया। नंबर 7, माल्टास मॉन्यूमेंट टर्की। माल्टा का यह 2700 साल पुराना मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि उन्होंने इस गुफा को पूरी तरह खंगाल लिया था और इसीलिए 19वीं सदी के बाद यहां एक्सकेवेशन कार्य लगभग बंद हो गया था। लेकिन अगस्त 2021 में इस केव के बारे में जो सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला था। असल में यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक्सकेवेशन कार्य किया जा रहे थे और इसी दौरान पता चला कि पहले हमें जितना लगता था ये केव उससे 3 गुना लंबी है। इसके अलावा ये मॉन्यूमेंट एक पुराने फ्रिगियन टेंपल के ऊपर बना हुआ है। नंबर 6, एंकोर वॉट टेंपल कॉम्प्लेक्स। हमारी ये खोज भी माल्टा मॉन्यूमेंट के नीचे छिपे मंदिर की खोज जैसी ही है। इस साइट के बारे में साइंटिस्ट को पहले से ही पता था, लेकिन 2020 में यहाँ से एक बेहद नई और अनएक्सपेक्टेड खोज हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक स्टैचू मिला। साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्टैचू 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसे एक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक गार्डियन के तौर पर रखा गया था। एंकोर वॉट एक कॉम्प्लेक्स साइट है और यहाँ का पहला मंदिर 9th सेंचुरी में बनाया गया था और इसके बाद लगभग अगले 500 सालों तक यहाँ अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण होता रहा। हालांकि अब इस स्टैचू के हाथ पैर टूट चुके हैं, बट सभी हिस्से इसके आसपास ही पड़े हुए मिले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इसे जोड़कर किसी म्यूजियम में रख दिया जाए। नंबर 5, ब्रॉन्ज ग्रीक वॉरियर स्टैचू। फरवरी 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कांसे का बना ग्रीक वॉरियर स्टैचू खोज निकाला। ये स्टैचू इजराइल के हाइफा बे की तली से मिला है। ये आज भी इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि इसकी गोल्ड लीफ पर बनी स्नेक्स और लायंस की डिजाइन आज भी विजिबल है। लेकिन जो बात आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है कि ये स्टैचू हाइफा बे में पहुंचा कैसे। हिस्टोरियंस का कहना है कि हेलमेट लगभग 2600 साल पुराना है और ये जरूर किसी ग्रीक योद्धा का रहा होगा। ऐसा ही एक हेलमेट 1950 में इटली के आइलैंड गिगलियो में भी पाया गया था, लेकिन इजराइल में मिले इस हेलमेट की क्वालिटी काफी बेहतर थी और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कोई एवरेज सोल्जर अफोर्ड ही नहीं कर सकता था।
ये जरूर किसी रिच मासिनरी का रहा होगा। नंबर 4, वाइकिंग सिल्वर। दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने विगहॉल्म आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक वाइकिंग सिल्वर का एक ढेर खोज निकाला। रिसर्चर्स को यहाँ से कॉइन्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स मिले। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जगह वाइकिंग एज में फार्म हाउस हुआ करती थी। यहाँ से मिले अवशेष इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाइकिंग रिमेन्स में इससे पहले कभी नहीं देखे गए। किसी बिल्डिंग से इतना सिल्वर मिलना भी एक अजीब बात है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस ढेर में कई देशों के आर्टिफैक्ट्स थे। इस कलेक्शन में अरेबियन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स और इनमें ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स 11 सेंचुरी के थे। लेकिन रिसर्चर्स का कहना था कि इन आर्टिफैक्ट्स को 10 सेंचुरी में दफनाया गया था और इसके बाद लगभग 100 साल बाद इन्हें निकालकर फिर से दोबारा नए आर्टिफैक्ट्स के साथ दफन किया गया। लेकिन ऐसा किसने और क्यों किया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। नंबर 3, 500 ईयर ओल्ड शिपरेक। दिसंबर 2019 में हुई स्टॉकहोम की एक खोज आपके भी होश उड़ा देगी। यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक 500 साल पुराना शिपरेक खोजा गया था। हिस्टोरियंस के माने तो ये सैमसन था, जो कि एक कार्गो शिप है जिसे 1598 में हल्स इंग्लैंड से लॉन्च किया गया था। ये खोज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इस एरिया में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस शिपरेक को खोजा गया, लेकिन इस डिस्कवरी में सैमसन के बारे में सिर्फ आधी मिस्ट्री ही सुलझाई गई है। लगभग 30 मीटर लंबा यह शिप 1607 के बाद अचानक गायब हो गया था और किसी को भी जानकारी नहीं थी कि यह शिप कहां गया। जब ये शिपरेक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, उस समय तक इसमें सारा सामान जैसे कि कॉइन्स, ग्लासेस, सेरेमिक्स आदि इसमें सही सलामत थे। यानी ये शिप लूट का शिकार तो नहीं हुआ था। ये शिप कैसे गायब हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। आपको क्या लगता है इस शिप के गायब होने की वजह क्या रही होगी? अपना जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, स्ट्रेंज स्टेक्स ऑफ वैंकूवर आइलैंड। कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में कॉमिक्स हार्बर शोर पर कुछ तो अजीब है। समुद्र से उठी हर लहर के पीछे लौटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्टेक्स देखे जा सकते हैं। ये स्टेक्स यहाँ पर सालों पहले से हैं। इनफैक्ट ये स्टेक्स इतने पुराने हैं कि आसपास के एरिया में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जिसने इन स्टेक्स को ना देखा हो। लेकिन ये स्टेक्स यहाँ कैसे आए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगस्त 2021 की एक स्टडी के बाद जो सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। असल में ये स्टेक्स 1300 साल पुराने एक फिश ट्रैप के हिस्से थे। आज भी वहाँ पर इस तरह का एग्जैक्टली 13602 स्टेक्स हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन लोगों ने 300 से भी ज्यादा इंडिविजुअल फिश ट्रैप्स बनाए थे और इस तरह ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश ट्रैप सिस्टम रहा होगा। 1862 में फिश ट्रैप्स को इलीगल घोषित कर दिया गया, इसीलिए फिशरीज ऑफिसर्स ने इसे नष्ट करने के बजाय रेत में ही दबा दिया। नंबर 1, बॉग्स ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का बॉग अपनी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। अगस्त 2021 में यह बात साबित भी हो गई जब यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को रॉस कॉमन में आयरन एज वुडन आइडल मिला। लगभग 2 मीटर लंबा यह आइडल ओक ट्री के तने को कार्व करके बनाया गया था। हालांकि इन्हें बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये आर्टिफैक्ट्स काफी दुर्लभ हैं और पूरे आयरलैंड में इस तरह के सिर्फ 12 आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। हालांकि उन सभी में ये सबसे लंबा है। कुछ लोग इसे रिचुअल से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इसे किसी सोल्जर का स्टेटस मानते हैं। आपको क्या लगता है ये आइडियल क्या रिप्रेजेंट करता होगा? अपना जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।